फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सोने और चांदी की जो ज्वेलरी होती है उसे किस तरह से हम साफ़ कर सकते हैं। तो आप पानी में लिक्विड डिश डिटर्जेंट की कुछ बूंदें गर्म पानी में मिलाकर अपने जो सोने और चांदी की जो ज्वेलरी है वो उसमें डाल सकते हो। 15 मिनट तक उसे उबालें। अगर आपकी ज्वेलरी में कोई स्टोन का और मोती का वर्क है तो वो ज्वेलरी आप उस गर्म पानी में ना डालें। ओके फ्रेंड्स, 15 मिनट तक भिगो कर रखें और जिस तरह 15 मिनट होने के बाद में उसे आप धीरे धीरे टूथब्रश से और जो मेकअप का आईब्रो ब्रश होता है जो कि सॉफ्ट होता है, कोई भी सॉफ्ट चीज कपड़ा हो गया तो उससे आप धीरे धीरे उसे साफ़ कर सकते हैं, उसे क्लीन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, ध्यान रख के आपकी जो ज्वेलरी है वो टूटे ना, और उसके साथ में आप 15 मिनट के बाद में उसे एक अलग कटोरे में ले लें, सादा पानी डाल दें और उससे फिर ज्वेलरी को साफ़ करें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, सादा पानी में धोने के बाद में उसे आप अपने जो सॉफ्ट कपड़ा होता है उससे आप पोछिए। इससे आपकी जो ज्वेलरी है वो क्लीन और एक साफ़ ज्वेलरी आपको नज़र आएगी फ्रेंड्स। और उसके बाद में आप परफ्यूम से और मॉइस्चराइजर से सोने और जो चांदी की जो ज्वेलरी है आपकी उसको आप अपने कपड़ों से भी साफ़ कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ एक ऐसी प्यारी वीडियो के साथ।